अनुराग हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। जय हिंद, स्वागत। मेरे दो सवाल हैं। जी पहला सवाल मेरा ये है कि मुझे ना बचपन से किडनी प्रॉब्लम है और मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये है कि मेरा वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब वजन क्या, मेरा पेट बहुत आगे आ रहा है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी मम्मी को ना ब्लड सर्कुलेशन की मेरिकोज वेन की दिक्कत हो गई है, और वो आपका टी केयर खा रही है 3-4 महीनों से, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है उस टी केयर से, तो उनको क्या करना पड़ेगा? और ब्लड सर्कुलेशन की बहुत दिक्कत है उनको, डॉक्टर्स ने बोला है। टांगों में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है। जी सर, जी सर, ठीक है। अच्छा देखिए, टांगों में ब्लड सर्कुलेशन ना हो तो खिंचाव आता है, सुन होती है या जलन होती है या दर्द होता है, ये चार कैफियत होती है। तो इसके लिए ये टी केयर खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, और कुछ लोगों को इसलिए भी फ़ायदा नहीं होता कि उनमें वज़न ज़्यादा होता है। तो अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम कर लें। ये टी केयर बहुत अच्छी दवा है, इससे फ़ायदा मुमकिन होता है। तो वज़न ज़्यादा है तो वज़न अगर कम होगा तो और ज़्यादा तेज़ी से फ़ायदा करती है। और पंजों के बल ना बैठें, झाड़ू पोछा ना करने दें मम्मी को, और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल ज़रूरी है। ये महिलाएं काफ़ी काम होता है, कोई भी मेहनत का काम हो तो कुछ दिन ना करने दें, तब ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। और आपका देखिए क्रिएटिनिन का मसला है, और वज़न बल्कि वेट और बल्कि पेट का मामला है, तो नमक जैतून और खाने का सोडा 2-2 चुटकी और 2-3 चुटकी जीरे का पाउडर आप एक वक्त में खाएं। नमक जैतून और खाने का सोडा पानी में मिला लें और 2-2 चुटकी मिला लें, नमक जैतून और खाने का सोडा 2-2 चुटकी पानी में मिला लें और जीरे का पाउडर 2-3 चुटकी खाकर पानी पी लिया करें, दो बार, 3 बार भी ये नुस्खा आप ले सकते हैं। इससे आपका क्रिएटिनिन और वज़न, वेट और फैट कम होना मुमकिन है, कोलेस्ट्रॉल भी इससे बहुत तेज़ी से कम होना मुमकिन है। जी।